नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो वीडियो देख रहे हैं सारे बहनों और भाइयों, राम राम भाई। तो जैसे भाई, एक बिजनेस आज के दिन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उससे लाभ कितना मिला है? मतलब सबसे बढ़िया बिजनेस है कि कम समय में अच्छा प्रॉफिट जिस बिजनेस से मिलता है ना, वो पिग फार्म का बिजनेस है। तो एक नौजवान साथी से आज की विजिट है हमारी, नौजवान साथी के फार्म पे। तो आपको 10 मादा की जो एक नॉर्मल डिमांड रहती है, 10 मादा से फार्म स्टार्ट करने में पहला बैच सेल आउट होने तक का खर्चा कितना आ जाता है और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है भाई, कितना कीड़े का खर्चा आ जाता है, ये पूरी जानकारी बताएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। एक तो अपना आवाज ऊंची रखना, दूसरा पहले आप अपना नाम बता दो और अपना जो एड्रेस है वो बता दो एक बार। मेरा नाम प्रदीप है, यहाँ से ऊन गांव है, चरखी दादरी में पड़ता है जी, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट लगता है जी। तो अपना ये शेड है, ये कितनी बाई साइज का है पहले तो ये बता दो, साइज कितनी है इस शेड की, लंबाई और चौड़ाई? 90x40। 90x40। तो भाई साहब, आपने शुरुआत कर, इसका खर्चा कितना आ गया शुरुआत में जो बनाया था उस टाइम पे? 7 लाख के आसपास। 7 लाख के आसपास आ गया था। कितने समय पुराना हो गया अपना फार्म? 8 महीने जिसमें ये स्टार्टिंग की हो गया और बाकी 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो भाई साहब, आपने शुरुआत करी तो कितने एनिमल लेके आए थे? 10 मतलब 10 मादा लेके आए थे और एक 10 लेके आए थे, 10 गिल्ट 1 बोर लेके आए। तो उसमें भाई साहब अपना खरीद के लेके आए थे, तो उस टाइम पे कितना खर्चा आ गया था मतलब इनका खरीदने का? ये मैं उस टाइम पे 233 के पर केजी के हिसाब से लेके आया, पर केजी के हिसाब से लेके आया। मतलब 10 थी तो तकरीबन कितने के बॉडी वेट के थे, क्विंटल के? नहीं, 80 के आसपास। 80 के आसपास में, तो वो किलो के हिसाब से आपने खरीदे थे? हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कई दोस्तों की डिमांड रहते हैं कि भाई जो गिल्ट लेके आते हैं उनका नग के हिसाब से रेट दे रहे हैं आज के दिन, जैसे अभी जैसे कुछ साथियों के कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि सर हमें गिल्ट नग के हिसाब से दे रहे हैं। तो नहीं, नहीं, वो तो अलग अलग फार्म की अलग अलग थोड़ी है। अच्छा, अलग अलग थोड़ी है। तो आपके हिसाब से मतलब केजी के हिसाब से खरीदना बेटर है नग के हिसाब से? केजी के हिसाब से खरीदना बेटर है, केजी के हिसाब से बेटर। उसमें कोई फ्रॉड थोड़ी होगा, जितना वेट होगा उसका रेट देंगे, उसका रेट देंगे। तो ये एक भाई ने, प्रदीप भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी बताई है कि भाई जैसे अगर आप शुरुआत में जो गिल्ट लेके आते हैं उसका केजी के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से खरीद के लेके आए, तो इसमें जैसे आपने शुरुआत में खरीदी उस टाइम के रेट के हिसाब से मिल गया था आपने 233? मैं उस टाइम पे 233 लेके आया था भाई साहब, 233। और अभी जैसे आपने शुरुआत में ही किस चीज पे चलाया था, फीड पे या वेस्टेज पे? स्टार्टिंग से फीड पे चलाया था, स्टार्टिंग पे फीड पे चलाया। तो जैसे हम 10 जो अपने प्रेग्नेंट करवा के लेके आए थे, हुई हुई लेके आए थे? नहीं नहीं, विदाउट प्रेग्नेंट आई, विदाउट प्रेग्नेंट यहाँ के प्रेग्नेंट करवाए थे। तो उनमें बच्चा देना कब स्टार्ट कर दिया था? बच्चा देना 4 महीने, 112 दिन में डिलीवरी दे देती है। 112 मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद? प्रेग्नेंट होने के बाद 112 दिन, 110 या 12 दिन में डिलीवरी दे देती है, डिलीवरी दे देती है। और अगली जो प्रेगनेंसी वो कितने दिनों के बाद हो जाती है बच्चे देने के? बच्चे देने के 40 दिन के बाद, 40 दिन तो मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसके 10-1 दिन बाद ये हिट में आ जाती है। मतलब लगा के चले आप 1.5 से 2 महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है? हाँ, तो और दोबारा फिर वो 110 या 12 दिन में बच्चे दे देती है। अप्रोक्सीमेटली 5 महीने में सेकंड डिलीवरी दे देती है, 5 महीने में सेकंड डिलीवरी दे देती है। हाँ जी। तो 1 साल की अगर हम बात करें, जैसे अपना फार्म 10 मंथ पुराना हो गया। हाँ जी। तो 10 मंथ में जो शुरुआत की लेके आए थे वो कितनी बार दूसरी बार डिलीवरी दे दी? नहीं, दूसरी बार स्टार्ट हो जाएगी 3-4 दिन में। 3-4 दिन में। तो एक बार अपना पहला बैच है। हाँ जी। तो उसमें 10 के जो लेके आए थे ना, उनसे आपने कितने एनिमल कर दिए थे शुरुआत को जो बैच होया था उसमें? 96। तो उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई थी आपने? उसमें मोरलिटी तो हुई थी अप्रोक्स 20 के आसपास। 20 के आसपास। वो मतलब जैसे किस वजह से हो पाती है, जैसे नया फार्म करता है उसको भाई ध्यान नहीं होता, आपने शुरुआत करी उस टाइम पर आपको इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन नया ये फार्म भी होता है, कुछ मोरलिटी खुद की भी होती है, बाकी कुछ फार्म की भी होती है, वो तो अलग अलग बेस की होती है। क्या, तो नॉर्मली हम बात करें भाई कैजुअलिटी कम हो इसकी सावधानी क्या क्या रखें, और थोड़ी जानकारी ये बता दें दर्शकों। सारा ध्यान रखने का वो है, मतलब ब्याह उस टाइम पर क्या ध्यान रखें? जिस टाइम पे मादा डिलीवरी देती है उस टाइम पे 3 या 4 दिन उसका ध्यान रखो प्रॉपर तरीके से। मतलब एक तो वो बच्चे दबाए नहीं, एक वो बच्चे नहीं दबाए, उसके बाद ये देखो कौन सा बच्चा दूध पी रहा है कौन सा नहीं पी रहा, नहीं पी रहा, इसमें आयरन की कमी है, इंजेक्शन, आयरन के इंजेक्शन लगते हैं इसमें स्टार्टिंग 3-4 दिन में, वही एक इंजेक्शन है जो लगता है, जो कमजोर है उसका आयरन का इंजेक्शन लगाओ। तो सर जैसे आप भाई शुरुआत में लेके आए थे 10, उनमें फीड पे स्टार्ट कर रहा था, फीड की मात्रा और बता दो आप, जैसे कितनी डालते हैं डेली की? डेली फीड के जो मैक्सिमम एक फुली कंप्लीट जानवर होता है उसको 2-2.5 किलो के लगभग एक दिन का खर्चा हो गया, पूरा जानवर तैयार हो जाता है, पूरा जानवर तैयार हो जाता है। तो और जैसे बच्चे देने के बाद, जैसे आपने बच्चे दिए उनको कितने दिन तक दूध पर रखते हैं आप? उसको 10 से 12 किलो वेट होता है तब तक दूध पे रखते हैं। और फीड पे कब लेके आते हैं स्टार्टर पे? फीड पे उसको 12 किलो वेट के आसपास लेके आते हैं, 12 किलो के। और उसके बाद ग्रोअर पर कब लेके आते हैं?
उसको ग्रोवर पे स्टार्ट करते हैं 25 किलो के आसपास, 25 किलो के आसपास। और एक ये थोड़ी सी जैसे स्टार्टर जो डालते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी अप्रोक्स में बता दो आप कितनी डालनी चाहिए एक बच्चे को अप्रोक्स में लगभग, वो तो बॉडी वेट के हिसाब से, अगर मान ले 10 से 12 किलो का, 10 कोई 10 का अलग क्या है, 12 के 200 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है, देखते रहो फिर जो जो ग्रोथ होती है उसके हिसाब से मात्रा बढ़ाते जाओ। और जैसे अड़का है उसको मतलब 200 ग्राम तो नॉर्मली है, और जैसे बॉडी वेट बढ़ता रहे उसकी मात्रा उसके हिसाब से फीड बढ़ाते जाओ। उसके बाद स्टार्टर की बात करें हमें, स्टार्टर हाँ स्टार्टर, ग्रोवर की बात करें, ग्रोवर कितनी मात्रा में डालते हैं? ग्रोवर इसके बाद 25 किलो के आसपास, 25 किलो का वेट हो जाता है। उसके बाद जानवर की कैपेसिटी देखो किस टाइप के, देखो कौन कितना खा सकता है जी, उसी के हिसाब से देखो, देखने से पता चल जाता है कि ये जानवर इतना ही खा सकता है। एक दिन फीड डालो, दो दिन फीड डालो, इसके हिसाब से जैसे पता ही चल जाता है वहाँ पे जी। आके दूसरी फिर आगे आ गई फिनिशर, फिनिशर किन को डालते हैं और ग्रोवर किन को डालते हैं, थोड़ी सी जानकारी दी बता दी। ग्रोवर तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर का काम करती है ना, बॉडी को कंप्लीट ग्रो करती है, तो ग्रोवर का मतलब ही ग्रो हो गया, तो वो ग्रो ही करती है। फिनिशर उसको क्या करती है, कंप्लीट करती है स्ट्रक्चर को जी। उसमें वेट गेन तो फिनिशर ही करेगा ना, फिनिशर करेगा। और जैसे अपने जो गिल्ट तैयार करनी है उनको ग्रोवर पर रखते हैं, फिनिशर उनको डालते हैं? जो अपने खुद के लिए गिल्ट तैयार करनी है उनको मैं ग्रोवर पे रखेंगे, ग्रोवर पे रखेंगे, मतलब जितने तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। हाँ जी, प्रेग्नेंट होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बाद ब्रीडर चालू कर दो, उसको ब्रीडर चालू कर दो जी। तो ये दोस्तों जानकारी थी फीड की, ये हो गया भाई का फीड फॉर्मूला। अब जैसे हम बात करेंगे, 10 आपने शुरुआत करी, तो जैसे आपने कितने मंथ हो गए, अब 10 मंथ हो गए नॉर्मली, तो 10 मंथ का इनका 10 से शुरुआत करी थी आपने सेल आउट, तो अभी दिख रहा नहीं।